हमीरपुर में सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों और महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया तथा बाजार में रोष रैली निकाली गई। सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने जमकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही है, महंगाई की दर इतनी बढ़ चुकी है कि लोग दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1942 में 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, लेकिन आज सिट्टू ने नया नारा दिया है कि मोदी सरकार गद्दी छोड़ो। राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ रही है, सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमीरपुर में धरना प्रदर्शन और रोष रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। आज पूरे देश में मजदूर और किसानों ने मिलकर 9 अगस्त को एक जो ऐतिहासिक दिन है उस दिन पूरे देश में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज पूरे देश में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। 9 अगस्त 1942 को देश में नारा दिया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज जो है मजदूरों किसानों का नारा है मोदी सरकार गद्दी छोड़ो। क्यों गद्दी छोड़ो? इस सरकार ने कहा था हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, गैस सस्ती कर देंगे, 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, और सरकार जो है लूट रही है लोगों को। वास्तव में पूरे देश को सरकार बेच रही है। मजदूरों के लिए जो कानून बनाए वो सारे कानून ऐसे हैं कि मजदूर जो है बंधुआ मजदूर बनकर रह जाए। किसानों के लिए कानून बना दिए 3, वो किसानों का ज़मीन जो है वो किसानों के पास नहीं रहेगा ये कानून अगर लागू हो। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना दिया, आढ़तियों को बड़े बड़े व्यापारियों को छूट दे दी जितना मर्जी वो जमा कर सके। इसलिए आज हमें कह रहे हैं कि ये सरकार जो लोगों को नारा दिया बुलेट ट्रेन चलाएंगे, तो पैसेंजर ट्रेन तो बेच दिया अदानी को, भाड़ा ट्रेन भी अदानी को बेच दिया, बैंक बेच रहे हैं। अब आज सबसे बड़ा हमला हो रहा है जो बिजली का हमारा क्षेत्र बिजली बोर्ड है उनको बेच रही है। यह सरकार कतई तौर पर देश के हित में काम नहीं कर रही है। विदेशी कंपनियों हमारे देश के बड़े जो घराने हैं औद्योगिक घराने उनके हित में काम कर रही है। नारा है देश के विकास का, लोगों का, परंतु अंदर जो काम हो रहा है वो सारा देश के खिलाफ हो रहा है, जनता के खिलाफ हो रहा है। इसलिए जो है आज हम यहाँ पर भी मजदूर जो है आए। वहीं कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि देश की जनता जितनी जल्दी मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेगी उतनी जल्दी किसान मजदूर और आम जनता को राहत मिलेगी, इसलिए सीआईटीयू ने नारा दिया है कि मोदी सरकार गद्दी छोड़ो। ये कहना चाहते हैं कि सरकार को जितना जल्दी दफा किया जाए, जितना जल्दी दफा किया जाए उतना जल्दी देश के किसानों को, मजदूरों को, आम जनता को राहत मिलेगी और देश बिगड़ने से बच जाएगा। इसलिए नारा है मोदी सरकार गद्दी छोड़ो, मोदी सरकार जल्दी विदा हो, ये नारा है आज। इस नारे को लेकर जो आज आप देख रहे हैं बारिश के बावजूद लोग आए हैं, और बारिश भी होती तो लोग छाते लेकर आए हैं, ये आज मुख्य बात है जिसको लेकर आज सीएचयू की तरफ से हमीरपुर जिला में ये प्रदर्शन हो रहा है।